मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड में किसान सम्मेलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को मुहैया कराए जा रहे सुविधाओं की दी गई जानकारी। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सहित किसान भी रहे मौजूद। किसानों का आय दोगुना करने के लिए, किसानों को स्थिति को अच्छी करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है। उसी संकल्प के तहत हमारे कृषि मंत्री ने एक नया कृषि बिल लाया है, जो स्वागत योग है। भारत के सभी किसान तहे दिल से इसका स्वागत करती है। किसान है, किसान नहीं कहना चाहिए। किसान के जो बीच के जो लोग हैं, जिसको हम दलाल कहते हैं या बिचौलिया कहते हैं, जो बड़ी बड़े मंडी और इसको कब्जा किए, वो लोग जो पूरे देश में आज हाहाकार मचा के रखे हैं किसान के बिल की, किसान विरोधी बिल के इसमें समर्थन में, तो उसी के संदर्भ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर एक मंडल में, हर एक विधानसभा में, हर एक पंचायत में जाके किसान भाइयों को ये समझाने के लिए, उनको ये अवगत कराने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया जो बिल है इस देश में, वो उनके पक्ष में है, उनके हित में है। सहरसा जिले में बढ़ती जमीनी विवाद पर अब लगेगा विराम। राज्य सरकार की पहल पर अब ऑन द स्पॉट होगा जमीनी विवाद मामले का निपटारा। इस संबंध में जिले के अंचला अधिकारी के नेतृत्व में जनता दरबार का किया गया आयोजन। कैमूर में अज्ञात अपराधियों ने गैस नहीं देने पर वेंडर से की मारपीट। जिले के बाबा गैस एजेंसी के वेंडर को आपराधिक तत्वों ने पिटाई के बाद किया जख्म। वेंडर द्वारा मामले की थाने में की गई शिकायत। सहरसा जिले के बनगांव में निकाली गई संभावना यात्रा। बनगांव से चलकर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए मदरसे गंधा तक निकली यात्रा। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। नए साल में मुजफ्फरपुर जिले को मिलेगी बड़ी सौगात। राज्य का पहला जीआईएस तकनीक पर आधारित पावर सब स्टेशन मुहैया कराएगी निर्बाध बिजली। जिले के लोगों की दूर होगी बिजली संबंधी समस्या। जहानाबाद अरवल एनएच 110 पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना। सड़क हादसा में घटना स्थल पर ही बाइक सवार युवक की हुई मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब से लदे एक ट्रक, दो पिकअप समेत एक स्कूटी को किया जब्त। वहीं मौके से शराब कारोबारी हुआ फरार।